तो ये देखिए गाइस कितनी धूल मिट्टी। हे गाइस, तो आई हैव हैड माय शार। अच्छा कुर्ता, ये फैब इंडिया का कुर्ता है ना गाइस, द बेस्ट थिंग यू नो, ये जो कुर्ता है ये बेस्ट थिंग अबाउट समर इज मैंगो। इस पैकेज की अनबॉक्सिंग कर ली जाए कल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज है सैटरडे और हम सब बिजी हैं क्योंकि घर की डीप क्लीनिंग होने वाली है। आज साफ करेंगे खिड़कियां मेरे रूम में, ये जो कबर्ड है इसको हटा के पीछे से सफाई होगी, जाले उतारेंगे, पंखे साफ करेंगे, चादर बदलेंगे, तो ये सारा काम चल रहा है पूरे घर का और बिजी शेड्यूल होने वाला है। इसीलिए खाने में मैंने बनाई है सिंपल सी खिचड़ी, बनाई नहीं है, भिगो दी है। एंड देन मेरे पास आया है ये एक ब्रांड का पार्सल, इसको अनबॉक्सिंग करके इसकी स्टोरीज डालनी है, रेसिपी शूट करनी है, बहुत सारे काम है। ये धीर के ओल्ड टॉयज़ वगैरह निकाले जो काम नहीं कर रहे हैं, ये मस्किटो रैकेट काम नहीं कर रहा है, इसके टॉयज़ जो टूट गए, बहुत सारे काम हैं। आप और देख सकते हैं घर का हाल। चलते हैं काम पे। परी, इसको ये तेरे रूम वाली नेट भी निकाल के ना अक्का को दे दे, अक्का वॉश करके सुखा देगी इसको, जा। यहाँ से जो मस्किटो नेट लगी होती है विंडोज़ पे वो निकाल दी है ताकि अभी खिड़की वगैरह साफ़ कर दें एंड उसके बाद वो धुल जाएगी, फिर लगा देंगे। हाउस हेल्प को बोला है, वो सारी धो के सुखा देगी। यहाँ पे बच्चों को लगा दिया है काम पे और धीर को मैंने, दोनों को मास्क पहना दिया है क्योंकि इन दोनों को डस्ट एलर्जी होती है। ये तो खेल रहा है एक्चुअली, इसको एग्जैक्टली करना नहीं आ रहा है, इसको शौक चढ़ा है, तो मैंने कहा चल तू अपना शौक पूरा कर, करना तो साफ मुझे ही पड़ेगा। तब तक आई थॉट आई विल मूव दिस और यहाँ इसको हटा लूँगी तो पीछे की सफाई हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस कितनी धूल मिट्टी, आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है, व्हेन आई मूव दिस यू विल नो। देखिए दोस्तों, बेड के साइड टेबल, बेड तो हटा नहीं सकते, ये बेड बहुत हैवी है क्योंकि ये सॉलिड वुड का बनाया हुआ है। साइड ड्रॉज हटा दिए हमने, बाकी सारी चीज़ें हटा के एक बार झाड़ू लगा दिए, अभी प्रॉपरली वापस डस्टिंग होएगी गीले कपड़े से एंड ऑल दैट, चादर बदलेंगे एंड देन वापस झाड़ू पोछा होएगा। ये एक बार तो लगा दी है और ये देख सकते हैं आप कितना कूड़ा कचरा निकला है कमरे से, गुडनेस। सो हम अभी हमारी विंडोज क्लीन करके हमारा रूम डस्ट करेंगे। सो गाइज, वी डन विथ आवर मामा का रूम का डस्टिंग, और डूइंग आवर रूम का डस्टिंग एंड यस। उसके बाद बारी आती है लिविंग रूम की और धीर भी लगा हुआ है, परी भी लगी हुई है मेरे साथ, हाउस हेल्प अलग से लगी हुई है। ओह गॉड। तो गाइस घर के काम दैट इज साफ सफाई करने के बाद अब आ गई हूँ किचन में, और पहले तो नींबू पानी बना के पिया था क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब थी, हाउस हेल्प को भी नींबू पानी दिया और अब बन रहा है खाना। जैसा कि मैंने बोला था सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ, बट मैंने तैयारी कर ली पालक खिचड़ी की क्योंकि थोड़े पालक भी रखे हुए थे, तो आई थॉट थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, खिचड़ी बच्चों को थोड़ी बोरिंग सी लगेगी स्पेशली इतना काम करने के बाद। सो बन रही है पालक खिचड़ी और बस इसके बनाते ही आई विल फर्स्ट गो हैव माय शावर एंड देन आई विल हैव माय लंच। और बाय द वे गाइस, पालक खिचड़ी की रेसिपी अभी मैंने रिसेंटली शेयर की थी एक दो व्लॉग से पहले, तो इन केस अगर आपने नहीं देखी है तो चेक कर लेना, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है, हेल्दी एंड यमी। बस इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टुगेदर। और आज मैंने ना, उस दिन जब मैंने रेसिपी शेयर की थी मैंने तूर दाल डाली थी, चावल एंड तूर दाल, बट आज जो है मैंने ये मूंग दाल डाली है। ये हो गई है तैयार हमारी यमी यमी पालक खिचड़ी। गाइस, तो आई हैव हैड माय शावर और उसके बाद अब आ गए हैं टेबल पे, सब बहुत भूख लगी है एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ मैं, तो अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बैठे बैठे रेस्ट करते करते लॉन्ड्री समेट दूंगी और उसके बाद अराउंड 4 o'clock मैं अपनी एक रेसिपी शूट करूंगी जो कि मुझे आज ही एडिट करके अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे। तो फिलहाल तो गाइज लंच कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है, लंच के बाद रिलैक्स करूंगी और फिर चाय के टाइम पे मिलती हूँ आपसे। रेडी हो जा। सो परी और धीर को जाना है मेरी मदर इन लॉ के साथ एक शादी में, आई एम नॉट गोइंग, विपुल विल बी गोइंग
ये लोग पहले चले जाएंगे, विपुल विल गो अ लिटिल लेट। धीरू कहाँ है बेबी? परी फटाफट अपनी ड्रेस फाइनल कर दे, बिकॉज मुझे पता है तेरे हजार नखरे हैं और तेरा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट उसी में होगा। दुनिया का सबसे आलसी बच्चा कौन? मेरा धीर। मैं आपको दिखाती हूँ, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह ट्रेंड चलता है, जहाँ पे एक एक करके यू नो क्रिएटर अपने कपड़े बेड पे डालते हैं एंड देन दे गो लाई ऑन दैट एंड देन जब उठते हैं तो दे आर ऑल ड्रेस्ड अप। धीर हमेशा विश करता है कि काश ये सच हो जाए, मुझे कपड़े बस कबर्ड से निकाल के बेड पे डालने पड़े और जैसे ही मैं बेड पे पड़ जाऊँ वो कपड़े मेरे ऊपर अपने आप आ जाएं और मैं रेडी हो जाऊँ। एंड दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी ड्रेस है, दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ती है। कम धीरू, ये शर्ट अच्छी नहीं है बेटा, ये टाई छोटी भी हो गई है तेरे, कुछ और पहन। हाँ मरून वन ले। तो गाइज जैसा मैंने बोला कि बच्चे तो जा रहे हैं शादी में, विपुल भी जा रहे हैं। बेटा बार लाइट ऑन कर दे धीर, बार लाइट ऑन कर दे। तो बच्चे और विपुल तो जा रहे हैं शादी में, तो मैं अकेली, मैंने सोचा अपने लिए क्या बनाऊँ, कुछ खास बनाने का मूड नहीं था बिकॉज अकेले इंसान के लिए बोर भी हो जाते हैं। सो मेरे पास है ये एप्पल मामले, एप्पल चटनी है जो भी कह लो, जो मेरी सिस्टर लाई थी कहाँ से, धर्मशाला से, आई डोंट नो, सम हिल स्टेशन से, अप नॉर्थ एक हिल स्टेशन में गई थी। सो ये मेरी सिस्टर लाई थी एप्पल, फ्रेश एप्पल मामले उन्होंने बना के भेजा था और दे कॉल इट एप्पल चटनी क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी है, अनलाइक अ मामले। और मैंने बना लिया है अपने लिए मिल्क शेक, मैंगो शेक, या और साथ में मैंने रोस्ट कर ली है शकरकंद अपने लिए। आई एम जस्ट हैविंग दिस। और हाँ मामले के साथ क्या खा रही हूँ ये तो बताया ही नहीं, उसके साथ खा रही हूँ टोस्ट। सो मैंने ब्रेड टोस्ट कर ली थी, उस पर एप्पल मामले लगाऊंगी और खाऊंगी एंड देन आई हैव माई शकरकंद जिसको कि मैंने बॉयल कर लिया है। वेरी मीठी। धीर जा तो शादी मेरा है, मन इसका शादी का खाना खाने का है, पर इसकी लाल टपक रही है मैंगो शेक पे, है ना धीरू? बेस्ट थिंग अबाउट समर इज मैंगो। सो दिस इज हाउ आकृति इज लुकिंग, शीज वोन स्कर्ट जो उसकी मासी ने गिफ्ट की थी एंड एक कौन सा कुर्ता है, ये फैब इंडिया का कुर्ता है ना गाइज। द बेस्ट थिंग यू नो, ये जो कुर्ता है ये एक्चुअली अच्छा खासा लंबा कुर्ता है, स्कर्ट उठाना। सो आप देख सकते हैं ये है कुर्ते की लेंथ जितना एक नॉर्मल कुर्ता होता है, बट मैंने इसे बोला तू ऐसे पहन ले किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इट्स अ लॉन्ग कुर्ता है एंड इट लुक्स लाइक अ टॉप एंड हाउ प्रिटी इट लुक्स। बाय बाय धीर, बाय परी। तो ये लोग बैग लेके जा रहे हैं बिकॉज वहां से शादी से सीधा दे विल गो टू देयर नानीज हाउस, अगर ममता जगी हुई तो टू ओपन द डोर। बाय बाय परी, हैव अ गुड टाइम, गुड नाइट। हाँ वापस आएगी ना, अगर मासी सो गई होगी तो तू वापस आ जाएगी ना। आई थिंक माँ आ गए गो, नो आई थिंक इट्स, ओ नो नो वो प्रशांत की है। हाँ कर दो, मुझे जेल में बंद कर दिया दोस्तों, मैं घर पे अकेली। वो बदन बहुत अच्छी आ रही है ये। ओके बाय ओके बाय। अच्छा दोस्तों सिंस अभी वो जा चुके हैं, मेरे पास और कोई काम है नहीं, तो मैंने सोचा इस पैकेज की अनबॉक्सिंग कर ली जाए। कल ये दो पैकेजेस आए थे एक ब्रांड से और मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ अभी। ब्रांड का नाम है
नेस्ट रूट, और इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी यू नो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने अक्सर इस ब्रांड से स्टफ़ मंगाया है फॉर माई इंस्टाग्राम पेज, मेरे प्रॉप्स एक्सेट्रा, और अपने घर के लिए भी काफ़ी कुछ मंगाया है. सो वर्किंग विद अ ब्रांड, कोलैबोरेटिंग विद दिस ब्रांड इज समथिंग विच मेक्स मी रियली रियली हैप्पी. तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. सो एक जो पार्सल था उसमें ये आया है, और ये एक और एक पार्सल है. अब ये खोल के देखते हैं कि इसमें क्या आया है, फिर मैं आपको रिवील करती हूँ कि आया क्या है. ऑफकोर्स मुझे तो पता है, बिकॉज द ब्रांड हैड गिवन मी चॉइस कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए. सो ये खोल लिया, इस कार्टन से ये बॉक्स निकला है और इस कार्टन से ये. आई विल शो यू नाउ. सो ये देखिए, ये है ब्रांड नेस्ट रूट. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दैट दिस इज़ अ ब्रांड जो अमेज़ॉन से, हम सब ने इस ब्रांड से कुछ ना कुछ अपने घर के लिए, अपनी किचन के लिए डेफिनेटली लिया होगा. फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन ब्रांड. और ये है फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टफ जो ब्रांड ने मुझे भेजा है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट लुक्स ब्यूटिफुल. सो इट्स बेसिकली अ केक स्टैंड. केक स्टैंड बोला जाता है, बट आजकल तो हर चीज़ मल्टीपर्पज़ यूज़ होने लग गई है दोस्तों. तो इसको मैं एज मैनी वेज इसको यूज़ कर पाऊँगी, नॉट जस्ट एज अ केक स्टैंड. ऑफकोर्स एज अ केक स्टैंड तो ये काम आएगा ही आएगा, बट अदरवाइज ऑल्सो आई कैन यूज़ इट फॉर मैनी मैनी वेज, इन मैनी वेज रादर. सो लेट मी ओपन एंड शो यू सेकेंड आइटम क्या है. दिस ब्यूटिफुल 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 रोटी बॉक्स फ्रेंड्स, वुडन का है, और ये ऊपर इसकी लिड है जिस पे ब्रास का काम हो रखा है और ब्रास का नॉब है. ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ. ये देखिए, बहुत ही प्यारा है, राइट? बहुत ही ज़्यादा प्यारा, एंड फिनिशिंग एंड एवरीथिंग. और इसके साथ आया है ये चिमटा, मैं ये भी आपको खोल के दिखा देती हूँ. तो ये देखिए दोस्तों, ये है ब्रास का चिमटा जिसको हम जिससे हम रोटियां पकड़ के निकालेंगे, या पराठे, रोटीज, एनीथिंग एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. और ये है इसके साथ एक लिड, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पीस. ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, आप उनकी साइट में भी देख सकते हैं. और प्लस मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा. आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल सम अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स. सो दिस इज़ इट. और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इन माय पोस्ट एज अ प्रॉप. सो या आई कांट वेट टू रिसीव द थर्ड आइटम विच इज़ गोइंग टू बी अगेन अ वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट. जब वो आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी. तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए इतना ही. आई विल एंड दिस व्लॉग हियर, एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट. इफ सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें. और ये जो कोलैबोरेशन था ये इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है. दिस कोलैबोरेशन विद दिस ब्रांड इज़ फॉर माई इंस्टाग्राम पेज एंड नॉट यूट्यूब. जस्ट थॉट आई शुड मैंशन अबाउट दिस. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए. Matt and Laddle is my account. So see you again on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.